हेलो स्टूडेंट, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एज द सरफेस ऑफ अर्थ, बट डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो इफ आर इज अ रेडियस ऑफ अर्थ देन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ओके, हमें रेडियस ऑफ प्लैनेट निकालना है। क्वेश्चन में दिया है क्या, जी प्लैनेट पे और जी अर्थ पे सेम ही है। दूसरा, डेंसिटी ऑफ योर प्लैनेट इज टू टाइम डेंसिटी ऑफ योर कितना अर्थ है। आपको रेडियस ऑफ प्लैनेट बताना है किसके फॉर्म में, रेडियस ऑफ अर्थ के फॉर्म में। तो रेडियस ऑफ अर्थ में मेंशन कर देता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ आपको आर लेना है, रेडियस ऑफ प्लैनेट निकालना है। कंफर्म कर ले, डेंसिटी ऑफ क्लियर, बट डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ दिस, राइट है। कुछ नहीं, अब करना है कि आपको जी का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, फिर उसको प्रोपोर्शनलिटी में लिख के वैल्यूज पुट करना है, ठीक, रेशियो फॉर्म में लिख के वैल्यूज पुट करना है। तो जी का वैल्यूज लिखे, चलो जी का वैल्यू कितना होता है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मुझे मास नहीं चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो जी इज इक्वल टू यहाँ पे जी एम, मास को क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। जिनको नहीं पता रहेगा डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास अपॉन कितना होता है वॉल्यूम, तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे मास को क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, देन व्हाट अबाउट डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, तो जी इज इक्वल टू जी रो, डेंसिटी 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 एज इट इज, वॉल्यूम वॉल्यूम किसका लिखोगे, आपका प्लैनेट स्फेरिकल होता है तो क्या लिखोगे, स्फीयर का वॉल्यूम। तो 4/3 कितना होता है, पाई आर क्यूब, इट इज अ वॉल्यूम, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ से आर कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, जी इज इक्वल टू जी इन टू रो इन टू 4/3 पाई आर आर पाई आर। ओके, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में सेम क्या है यहाँ पे, रेडियस दोनों का क्या है, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। चलो क्या दिया, जी सेम है, ओके, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी का रिलेशन दिया है, क्या ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मुझे चाहिए क्या, रेडियस चाहिए, तो मैं रेडियस को ऐसे लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय कैपिटल जी रो इन टू 4/3 पाई, ठीक है। आंसर देखो, R is inversely proportional to क्या आ रहा है? Your R, R is inversely proportional to density. That's all. R is inverse. आप चाहिए तो लिख सकते हो रेशियो directly, but मैं लिखता हूँ मुझे radius चाहिए तो radius equal to कर लेता हूँ। तो R is inversely proportional to density because G same है, capital G constant है, 4/3 constant है। तो यहाँ से लिखता हूँ रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ योर अर्थ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। बस कुछ करना नहीं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, चलो रेडियस ऑफ योर प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, आर हो गया, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ एज इट इज, डेंसिटी ऑफ अर्थ एज इट इज, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट कितना दिया, टू टाइम डेंसिटी ऑफ अर्थ, यहाँ पे 2 times डेंसिटी ऑफ अर्थ कैंसल, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय आर, ये कैंसल इज 1/2 कितना आ रहा, 2, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज आर डिवाइड बाय 2, क्लियर। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना, आर बाय 2, ऑप्शन कौन सा, बी। क्वेश्चन कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सिंपल है, आपको डेंसिटी के बारे में लिखा हुआ, तो आपको पहले जी का फॉर्मूला डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने का रूल यही है, मास को रिप्लेस करो डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम से, आपके पास डेंसिटी का रिलेशन आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे रेडियस निकालना, इसको रेडियस इक्वल टू कर लो, बाकी जो कॉन्स्टेंट इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी आ गया। नाउ राइट द रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्लैनेट टू अर्थ है तो ये क्या होगा, अर्थ टू प्लैनेट्स, उल्टा कर लो, क्लियर, देन वैल्यू पुट इन आंसर्स। चलो क्लियर, समझ गए, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।